पिछले साल आईपीएल में लागू किया गया इम्पैक्ट प्लेयर नियम खूब चर्चा में रहा। कुछ लोगों को यह नियम पसंद आया तो कुछ ने इसे क्रिकेट की भावना के खिलाफ बताया। इस नियम के तहत टीमें टॉस के बाद किसी भी खिलाड़ी को 11वें सदस्य के रूप में शामिल कर सकती है, लेकिन सौरव गांगुली जो दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेट डायरेक्टर और पूर्व भारतीय कप्तान भी हैं, उनका मानना है कि इस नियम में थोड़ा बदलाव किया जाना चाहिए। अब वो कहते हैं कि टीमों को टॉस के समय ही तय करना चाहिए कि वे किस खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, न कि मैच के बीच में। गांगुली का तर्क है कि इससे रणनीति और कौशल का महत्व बढ़ेगा। टॉस से पहले इम्पैक्ट प्लेयर का खुलासा करने से टीमों को अपनी रणनीति बनानी होगी और ये सोचना होगा कि वे किस खिलाड़ी को कब इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि गांगुली ने यह भी कहा है कि उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर नियम पसंद है। उनका मानना है कि यह नियम क्रिकेट में रोमांच और अनिश्चितता का तड़का लगाता है। लेकिन गांगुली यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आईपीएल में मैदान की बाउंड्री भी बड़ी होनी चाहिए। उनका मानना है कि इससे बल्लेबाजों को और मौके मिलेंगे और खेल और भी रोमांचक हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप गांगुली के विचारों से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम में बदलाव किया जाना चाहिए और क्या आपको लगता है कि आईपीएल में बाउंड्री बढ़ा देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।